अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई दो लोग ऑकवर्ड है? क्या क्या ऐसे देख रहे थे हम एक दूसरे को? सुना आपने, शाहिद कपूर मानने के लिए तैयार नहीं है कि उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर वो करीना के साथ स्टेज शेयर करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई दो लोग ऑकवर्ड है? क्या क्या ऐसे देख रहे थे हम एक दूसरे को? Well, शाहिद का ये जवाब आपने सुन लिया, लेकिन आप भी जानते हैं कि करीना और शाहिद दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर करने को लेकर अनकंफर्टेबल थे। ऐसे में हमने फिर से वही सवाल शाहिद से किया और शाहिद ने मान लिया कि वो करीना से दूर दूर क्यों खड़े थे। लॉन्च के दौरान हमने देखा था ना कि वो क्वाइट ऑकवर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ करीना। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई दो लोग ऑकवर्ड है? क्या क्या ऐसे देख रहे थे हम एक दूसरे को? हाँ बताओ, तुम थे वहाँ पे? हाँ, तो क्या ऑकवर्ड लगा? फोटो खिंचवाते टाइम आप खड़े हो बट बीच में गैप। जवाब दूँ, बिकॉज अगर मैं और करीना साथ में फोटो लेते तो लोग सिर्फ उसके बारे में ही लिखते रहते और उसके बारे में बातें करते रहते। हम वहाँ पे एज अ टीम ऑफ फोर टू प्रमोट उड़ता पंजाब आए थे और मैं चाहता था कि उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने वी मेड श्योर दैट वी आर स्टैंडिंग इन अ वे दैट द प्रेस विल नॉट क्लिक फोटोग्राफ्स दैट दे वांट टू क्लिक व्हिच आर कंट्रोवर्शियल एंड पुट आउट समथिंग रॉन्ग आउट देयर एंड वी वांटेड टू बी करेक्ट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिल्म। वेल शाहिद, अगर ये जवाब आप पहले ही दे देते तो साफ हो जाता कि आप यूं करीना से दूर दूर क्यों जा रहे थे। अब जबकि आपने जवाब दे दिया है तो सबको ये क्लियर हो गया है कि आप और करीना अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहते। दैट्स द वे टू गो शाहिद। प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।